दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन मिस्र में इंसानों के शवों को प्रिजर्व करने के लिए उन्हें ममीस बना दिया जाता था, जो आज भी आए दिन हमें मिलती रहती हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पुर्तगाल की यूनिवर्सिटी में डिएगो एल्विस नाम के एक सीरियल किलर का सिर करीब 180 सालों से प्रिजर्व किया हुआ है। आज इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि डिएगो एल्विस पुर्तगाल का सबसे खूनखार सीरियल किलर कैसे बन गया। आइए जानते हैं डिएगो एल्विस की कहानी। डिएगो एल्विस का जन्म 1810 में स्पेन के गैलेसिया में हुआ था। वह जवानी के दिनों में काम के तलाश के लिए पुर्तगाल के लिस्बन शहर में आया था। डिएगो ने काफी समय तक काम की तलाश की, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। इस बात से नाउम्मीद होकर उसने जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया। डिएगो ने सबसे पहले लूटपाट का रास्ता अपनाया, जिसके आसान शिकार किसान हुआ करते थे। इसके लिए डिएगो ने लिस्बन में एक नदी पर बने पुल को चुना, जिस पर से शाम के बाद अक्सर किसान अनाज सब्जियां बेचकर अपने गांव लौटा करते थे। डिएगो जैसे ही किसी अकेले किसान को यहां से गुजरते देखता तो लूट के लिए उसका मर्डर कर देता था और लाश पुल से नदी में फेंक दिया करता था। इस तरह उसने ऐसे दर्जनों किसानों को मौत के घाट उतार दिया। जब पुलिस के पास गायब हो रहे किसानों की खबर पहुंची तो उन्हें ये लगा कि आर्थिक तंगी के कारण किसान खुदकुशी कर रहे हैं। हालांकि नदी से कुछ ऐसे शव भी मिले जिनके शरीर पर धारदार हथियारों के निशान थे। ये देखकर पुलिस को शक हो गया कि किसान खुदकुशी नहीं बल्कि उनका मर्डर किया जा रहा है। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो डिएगो ने लूटपाट करना बंद कर दिया और 3 साल तक वह अंडरग्राउंड हो गया। इसके बाद उसने फिर से लूटपाट शुरू कर दी। वह समझ गया कि अगर वह अकेला रहा तो बड़ी लूटपाट नहीं कर पाएगा और उसके पकड़े जाने का खतरा बना रहेगा। इसी के चलते उसने ऐसे लोगों को तलाशना शुरू किया जो बहुत गरीब थे। ऐसा करके उसने दर्जनों लोगों की गैंग बना ली और बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। डिएगो ने इसके लिए काफी मात्रा में हथियार भी खरीदे, जिससे कि वह पुलिस का सामना कर सके। करीब 1 साल तक डिएगो ने दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतारा। वह अपने विक्टिम्स को कभी जिंदा नहीं छोड़ता था। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक उसे लोगों को तड़पा कर मारने में मजा आता था। पुलिस को डिएगो की गैंग के बारे में पता चल गया, लेकिन वह अपनी गैंग के साथ दिन में अक्सर जंगल में छिपा रहता था, इसलिए पुलिस को उसकी लोकेशन का पता नहीं चल पाता था। इसी दौरान डिएगो ने अपनी गैंग के साथ लिस्बन शहर के एक डॉक्टर के घर में धावा बोल दिया। लूट के बाद उसने डॉक्टर का भी बेरहमी से कत्ल कर दिया और उसके बाद फरार हो गया। पुलिस को तुरंत ही इस घटना की जानकारी मिली और इस तरह पुलिस को शक हो गया कि डिएगो आसपास ही कहीं छिपा हुआ है। आखिरकार कुछ दिनों बाद ही डिएगो पुलिस की गिरफ्त में आ गया और 1941 में उसे 70 से अधिक व्यक्तियों की क्रूर हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई। डिएगो को जब फांसी दी गई, उन दिनों पुर्तगाल में फ्रेनोलॉजी यानी मस्तिष्क विज्ञान एक पॉपुलर सब्जेक्ट हुआ करता था। फ्रेनोलॉजी यानी मस्तिष्क की उन कोशिकाओं की जांच करना जिनसे इंसान के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता था, और ऐसे में वैज्ञानिकों को इंसानी सिरों की तलाश रहती थी। इसी के चलते पुर्तगाल के वैज्ञानिकों ने कोर्ट से डिएगो का सिर लेने की अपील की। इस तरह फांसी के बाद डिएगो का सिर काटकर प्रिजर्व किया गया। हालांकि इस दौरान साइंटिस्ट ने डिएगो के मस्तिष्क की कड़ी जांच की, लेकिन वे उन कोशिकाओं की पहचान नहीं कर सके
जिससे डिएगो के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सके। इसी के चलते डिएगो का सिर हमेशा के लिए प्रिजर्व कर दिया गया, जो आज भी लिस्बन यूनिवर्सिटी में रखा हुआ है। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।